हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया हुई, अच्छे से हुई। तो फ्रेंड्स देखिए, आप लोग से बोले रहे ना कि एक यहाँ पे प्राचीन मंदिर बा, मतलब वहाँ पे लेके चलो। लेकिन फ्रेंड्स ना कोनो कारणवश नहीं जा पाए, वहाँ आगे वीडियो आप लोग के बताओ। तो हम बोला चलो कोनो भी मंदिर में, तो यहीं पे मार्केट में हमारा कुछ काम भी रहा। इधर भी ये मंदिर में हम पहली बार आए हैं फ्रेंड्स, देखा तो बहुत बड़ी सी मंदिर, बहुत अच्छी से रही। तो यहाँ देखे माता रानी शेरवाली माँ का मंदिर हुए, और इस समय शाम को पूजा का तैयारी होता है, मंदिर साफ वगैरह होता है, और मंदिर कलरिंग भी होता है। यहाँ देखे वर्कर लोग काम करते हैं खूब अच्छे से डिजाइन, क्योंकि नवरात्र आवे वाला बन ना, देखने लिए होता है। और यहाँ देखे कितना अच्छा सा मंदिर, काफ़ी ज़्यादा स्पेस भी हुआ। इधर है भोलेनाथ जी का मंदिर, तो चले आप लोग हम दिखाओ थे नज़दीक से देखे इधर। तो यहाँ पे ना सौर गार्गी की जगह मिला था ना, तो लोग भाग भाग के खेले लगे थे। तो हम सोचा हम दर्शन वर्शन कर लिए हैं, तो हम बाहर निकला थे और काम भी करेंगे मार्केट में फ्रेंड्स। तो चले अपन काम वम हम कर लेते हैं, और बाद में हम चले थे घरे। तो आप लोग की पूरी डिटेल बताते कि कहाँ गए हैं, कौन कौन सा काम किया है, कौन कौन काम बाकी रहा। तो और उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो, प्लीज़ लाइक शेयर करिए, और एक प्यारा प्यारा सा कमेंट करना मत भूलिए। और बच्चा लोग ना खाली मतलब घूमे की मिल जाए, और ऐसे की जगह मिल जाए बस, और कुछ ना ऐसे चाहत नहीं। हम दिखे लगे हैं फ्रेंड्स ना, कुछ लिखा रहा मंदिर में आरती वगैरह, तो वह दिखे लगे आप लोग सोचे हुए ना खुश हो गए वीडियो। तो दिखे बाहर का मार्केट, तो चले फ्रेंड्स अब हम लोग चले थे। अपन थोड़ा वो जो काम वा कर लिए थे, फिर आप लोग से मिले थे घरे घरे। तो फाइनली फ्रेंड्स हम सभी आइए घरे, और हम सभी ना जाए वाला रहे फ्रेंड्स। हम आपकी बता दी यहाँ इस वैसे और गलत है ना, तो ये रूम में हम आ गया थे। तो हम बताए दी फ्रेंड्स कि हम सभी जाए वाला रहे। आप लोग को बताया ना भोलेनाथ जी का एक मंदिर हो यहाँ, मतलब बहुत प्राचीन और पुराना मंदिर हुआ है। तो हम सभी ना सावन के समय गए रहे, तो वहाँ पे फ्रेंड्स ना चला बहुत जल्दी ही, अब शिवरात्रि आता ना हो सकता था वो दिन जाए, और आज नहीं जा पाया। तो बस हम सुबह ना यही नजदीक मंदिर वहा है, बस वहीं चलिए फ्रेंड्स। ऐसे काम और रहा बहुत हमारा फ्रेंड्स, हम आपको बताई थी ना कि तकिया दोनों बच्चा हमारे ना हम आपको दिखा थे। एक तकिया देखे यहाँ पर, ये वाला तकिया ना हम कवर लगाए रहे, गार्गी पता नहीं कैसे फाड़ दे रही ना, तो तकिया कवर लेके आया, दो तकिया नया हम ले आया, क्या दो तकिया रहा, और एक तकिया ना हम जुगाड़ू काम कर रहे हैं फ्रेंड्स। हमसे यहाँ स्टार्टिंग पे आ रहे हैं ना, आप सबसे का छुपाओ की बाहर, तो हम ऐसे ही बना ले रहे हैं। मतलब इनके ऑफिस का तकिया रहा, लेकिन बहुत ज्यादा मतलब यूजलेस रहा, तो फिर भी हम उनके काम चलाओ बना ले। फिर बाद में जैसे एक दो महीना हो गया, तो हम दो तकिया खरीदे रहे, तो दो तकिया अब तीन तकिया हो गया, लेकिन दो तकिया अच्छा नहीं रहा था। हमका चलो अच्छा आज ले लिया, ढाई मतलब ढाई सौ में फ्रेंड्स हमें दो तकिया मिला, तो कम कराए कि हम मतलब भाई बार्गेनिंग करब तो बनबे गिरा था। मार्केट में निकले हम बार्गेनिंग न करे तो ये हो नहीं सकते ना, कोनो भी चीज हमें दो सौ बात ओके, हमें घीस पट्टी घसी घसीट के डेढ़ सौ एक सौ तक ले आओ की बात। तो तकिया कवर लिया है कि चद्दर लिया है, अब हम आपके दिखा थे रूम में, और एक चद्दर रहा फ्रेंड्स खराब हो गया ना, तो हम कहा चले कि चद्दर ले लेते थे, चद्दर लिए हम, और हस्बैंड के चप्पल ले गिरा, मतलब वो डेली वेयर वाला चप्पल ना धो धो के चप्पल हमारा, मतलब हस्बैंड ना क्या करते थे ना कि उनके मट्टी उट्टी बहुत ज्यादा कम पसंद हुआ है, तो वो चप्पल सबका ना धोई ही घिस घिस के धोई ही, तो चप्पल बहुत जल्दी तोड़ा थे। तो उनका चप्पल रहा था डेली वेयर पहने की, कहीं जाते नहीं पहन के, बस घर में ही बाहर कहीं इधर उधर जाए, तो उनके लिए चप्पल ले है फ्रेंड्स, बस यही को ले है। तब तक उन्हें जाएगी रहा तो चले गए, मतलब जरूरी काम रहा, और सब्जी ना ले पाए, सब्जी बिना ही चली आई है। तो कह रहे तो उसमें चला दिया बत्ती कर, देखे हम आपके दिया कह दिया ना भगवान के दिया बत्ती, और पता नहीं सौर का गई ना लाइट होना जलता, तो हम कहा चला तब तक चाय वो पी लिए भाई, तो आप लोग से बात भी कर लिए भाई फ्रेंड्स। तो गार्गी चाय नहीं बनाओगी आज? हाँ, और आएगी घरे ना फ्रेंड्स, तब याद आएगी कि मैंने चाय वाला कितली भी ले बेगी रहा, और डंडी टूटी बना, तो बार बार कभी कभी कोई गार्गी भी चाय से बना लेती ना, तो मतलब डर रहता ना इससे, तो पकड़ लेती तो जले वाले डर नहीं रहते, तो मैंने कहा कि बना ले, तो गई ना भाई नमकीन खाए। और हम आलू रखा फ्रेंड्स उबले हुए, हम कहा चल अच्छा पानी पूरी कही लिया, एक सौ रखे रहने दिन लिया रहे ना, तो बचा भाई भाई होना हो तो तीस चालीस पानी पूरी हो, जो कि फ्राई करब आलू वाले है। तो अभी सुबह अपने नमकीन खाने लगा है ना, और हमसे चलो आप लोग से हम बात कर लेते फ्रेंड्स, और बता देते कि आइए हम आप लोग सोचिए कि हम कहाँ कहाँ चले जाइए ना, बोली था और जाए इतना है। तो देखे फ्रेंड्स संडे के दिन ना बहुत समय कम मिला था, और हस्बैंड ना
देखिए आप लोग भी करते ही, बहुत लोग ना ही करते हैं आदमी लोग, लेकिन एक चीज हम बता दी अपने मतलब हस्बैंड की खास बात बा कि उन काम में कोनो भी भेदभाव नहीं करते हैं कि लेडीज का हुआ जेंट्स का हुआ। अगर घरे रहते हैं ना तो उन काफी ज्यादा हमारा हाथ बटावा थे, जिससे कि कभी रही तो झाड़ू भी लगाई देगी, कपड़ा भी बच्चा लोग को धो लेते हैं। हाँ एक बात बाकी साफ से नहीं धोई पाते, मतलब एकदम अच्छे से नहीं धोई, हल्का फुल्का जैसे बच्चा लोग का कपड़ा रहता ना धो लेते हैं, और इधर उधर का भी काम कर दी तो बहुत कुछ मदद कर दी थे। तो ये जैसे ना संडे के दिन और फ्रेंड्स ना किचन का भी सफाई वफाई कर लिए थे, मतलब डब्बा वब्बा जो रहा था ना मैं सारा साला का साफ कर दिया, उनका सफाई मतलब उनके बहुत ज्यादा पसंद बाट है। कहीं भी ना एक ही भी टुकड़ा रूम में ही नहीं, सीढ़ी पे निकली ना बालकनी में वहां भी थोड़ा एक टुकड़ा मिले तो उठा के डस्टबिन के पास ले गई, यही उनका नियम बा है। तो हम तो सोचते फ्रेंड्स की बहुत अच्छा आदत बा है, और जो सुना था ना जो देखा था मतलब तो उनके बहुत अच्छा लगा था। भाभी आप बहुत अच्छे मतलब लकी हैं कि भैया इतना कर लेते हैं। मैं बोली नहीं देखो सबके अंदर कुछ ना कुछ खासियत होती है, बस हमारे नजरिए के फर्क होनी चाहिए। तो यही सब बात था फ्रेंड्स। तो मैं से चलो अपना ब्लॉग का भी एंड कर देती हूँ, नहीं तो अभी सब्जी लेने जाऊंगी फिर आऊंगी ना तो भूल जाती हूँ। तो देखिये आपसे भोजपुरी में बात करते करते ईद से बात करने लगे हैं। तो चले फ्रेंड्स, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो फ्रेंड्स प्लीज लाइक करी ही, और चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करी ही, और यूट्यूब फेसबुक आप कहीं भी देखा था ना तो प्लीज अगर आप फेसबुक पे हैं तो यूट्यूब पे जरूर चैनल सब्सक्राइब करी ही। और एक चीज और फ्रेंड्स, हम ना सासू जी तुने मेरी कदर ना जानी चैनल पे वीडियो अपलोड हो चुकी बैठ रहे थे, आप लोग ना ही देखे हैं तो लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे जाइए और जरूर से देखी ही, और खूब ढेर सारा प्यार दे सपोर्ट दे। और अगर फेसबुक पे है तो हमारे यूट्यूब चैनल पे एक बार जरूर चेकआउट करिए। तो चले मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।